संस्थापक मुनि पोंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आगरा में चातुर्मास को जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। चाहे सुबह का गुरु पूजन हो या संध्याकालीन आरती, भक्तों की भक्ति में किसी प्रकार की कमी नजर आती नहीं दिख रही है। ताज नगरी आगरा में चल रहे निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल चातुर्मास धीरे धीरे नया इतिहास रच रहा है। सुबह के गुरु पूजन से लेकर रात की संध्या आरती तक भक्तों का सैलाब थमने का नाम नहीं लेता। पूरे दिन की भक्ति के बाद भी संध्या काल की आरती में भक्तों का उत्साह असीम होता है। राजस्थान से निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का घनिष्ठ संबंध है। गुरुवार के सानिध्य और प्रेरणा से राजस्थान की धरा पर कई बड़े तीर्थों का निर्माण हुआ है। यही कारण है कि राजस्थान के गुरु भक्त बड़ी संख्या में आगरा आ रहे हैं और हमारे वहाँ पे महाराज श्री की कृपा से आशीर्वाद से सुखोदय तीर्थ क्षेत्र की वहाँ बन रहा है, जो बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, जहाँ पे 15 फीट स्वयं वर्ण की प्रतिमा है मुनि श्रुतनाथ भगवान की, वहाँ पे विराजमान होगी और उनके जिज्ञासा समाधान देखने से लगता है कि हम बिल्कुल शास्त्र पढ़ रहे हैं। हमें लग रहा है चतुर्थ काल में आ गए हैं और साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं। उनका आभा मंडल ऐसा है कि देखते ही रह जाते हैं और दर्शन करने का बार बार मन होता है। गुरुवार के साक्षात दर्शन पा के हमारा जीवन तो धन्य हो गया। हर बार जैसे कि मतलब गुरुवार के दर्शन करते ही रूह में मतलब एक वो उठती है कि हाँ हमारे गुरुवार है और मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है गुरुवार के दर्शन करके। बहुत अच्छा लगा, गुरु में इतनी शक्ति है कि राजस्थान बांसवाड़ा से दौड़ के 800 किलोमीटर दौड़ के आए हैं गुरु जी, ऐसी उसमें उनकी चमत्कार है कि दौड़ते हुए वहाँ यहाँ तक आ गए। बहुत बहुत मन इतना प्रफुल्लित हो गया कि मन गदगद हो गया और उनका चेहरा देख कर ऐसा लगता है कि यहीं रह जाए 4 महीने यूँ। साथ ही दिल्ली और अन्य प्रांत और नगरों के गुरु भक्त भी आगरा में चल रहे सुधा अमृत चातुर्मास का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। महाराज तरीके बहुत सोच कर आया था कि चरण छूने का मौका मिल जाए, लेकिन वो भी मेरा पूरा हो गया अरमान। मुझे अभी चरण छूने का मौका महाराज श्री का मिला, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं महाराज श्री का चरण छूकर, उनका दर्शन करके, उनका शंका समाधान डायरेक्ट सुन के। अब तक हमने टीवी में ही सुना था, लेकिन आज पहली बार हमने लाइव सुना है और हमें बहुत खुशी है। मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे गुरुवर जी के दर्शन हो जाएंगे। वो तो मेरी फ्रेंड ही मुझे ले आई, मैं तो टीवी पर वैसे सुनती आई हूँ, बट मुझे नहीं था कि मैं शायद साक्षात दर्शन करूँगी। उनके आज साक्षात दर्शन कर मतलब इतना मन खुशी से झूम उठा कि मन कर रहा था कि नृत्य करने लग जाऊँ, इस तरह से मेरे अपने आप में प्रभाव हुआ था। तो जब आरती हो रही थी महाराज श्री गुरु जी की, तो एकदम पैर अपने आप ही थिरकने लगे, इस बहुत ही मतलब अच्छा महसूस किया। अच्छा लगा यहाँ आके, गुरुदेव की प्रभावना तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही अच्छा आत्मिक शांति मिल रही है देख के, और शाम को जिज्ञासा समाधान भी सुना, बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली सामने से सुनने में और टीवी पे लाइव प्रसारण देखने में बहुत डिफरेंस रहता है, क्योंकि जो गुरुदेव का ऑरा है वो सामने से जो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है उसका लाभ बिल्कुल भक्तगण को सीधा डायरेक्ट मिलता है। अभी 2 महीने का बच्चा है और फिर भी मेरा मन करा कि मैं बच्चे को लेकर महाराज जी के पास जाऊं। तो आज मेरे मम्मी पापा नौगावा से आए थे, तो उनके माध्यम से मैं यहाँ पे आ पाई, तो महाराज जी के दर्शन करके बहुत बहुत अच्छा लगा। और मेरे जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी मैंने सोचा था कि मेरे बच्चा जब छोटा होगा मैं महाराज जी के दर्शन करने ज़रूर जाऊँगी, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि महाराज जी का चतुर्मास ही आगरा में हो गया, तो ये मेरे बहुत सौभाग्य की बात है। ये भक्त अकेले या सिर्फ परिवार के साथ नहीं आ रहे, बल्कि ये सभी गुरु दर्शन और आशीष की आस लिए ताज नगरी में आ रहे हैं। प्रत्येक दिन हजारों भक्तों के सैलाब से नगर का वातावरण अत्यंत रमणीय बना हुआ है। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।